PS 114 का जिमनी इलेक्शन मैदान लग गया। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में लफ्जी जंग छिड़ गई। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं, PS 114 का जिमनी इलेक्शन बड़ी जमातों के असर में है, हमारे एतराजात दूर नहीं किए गए, आरोज कहीं ना कहीं सिंध हुकूमत से डिक्टेशन ले रहे हैं। वाजे है कि आरओ साहब सूबाई हुकूमत से कहीं ना कहीं डिक्टेशन ले रहे हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि इंतखाबात की दौड़ से नहीं निकलेंगे, 7 जुलाई को पीपल्स पार्टी सिंध भर से कारकुनों को लाकर जलसा करेगी, हम अपना जलसा कहीं और कर लेंगे। MQM इंशाल्लाह, MQM पाकिस्तान इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग्स हुई है, अवामी राबता हुआ है, मैं उसकी बुनियाद पर बड़े एतमाद और बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। MQM पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार कामरान टिसोरी ने भी कहा कि इंतजामिया हमें हराने के हर हरबे इस्तेमाल कर रही है, इलेक्शन में धांधली की कोशिश की गई तो कराची के शहरी सड़कों पर होंगे। कैमरामैन जावेद जॉन के साथ मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची।